कि एक बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक बार फिर एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। कराची में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और हमले की घटना सामने आई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दरअसल इस मुद्दे को उठाते हुए इसे हिंदू और सिखों की धार्मिक आजादी पर हमला बताया है और सिरसा ने इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठाने की भी मांग की है। सिरसा ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय परेशान है, वहीं पाकिस्तान सरकार हमलों पर खामोश है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया हो पाकिस्तान में। इससे पहले भी कई हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ हुई है, उन पर हमले हुए हैं और पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने भी इस पर टिप्पणी की थी। अब मनजिंदर सिंह सिरसा इस नए मामले का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, ये उनके अधिकारों पर दरअसल हमला है। इससे पहले हमने कई बार पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आपको बताई है कि कैसे सिख समुदाय की लड़कियों का अपहरण करके उनका धर्मांतरण जबरन कराया जा रहा है, हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है और किस तरह से सिखों और हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हमले लगातार होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर खामोश है। ना कोई एक्शन, ना कोई बयान। सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। उससे पहले ये ट्वीट जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कराची की रणछोड़ लाइन में जो हमला हुआ है उसका जिक्र वो अपने ट्वीट में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर पर दरअसल हमला किया गया है। हमलावरों ने जो बर्बरता की है उसको उन्होंने सही ठहराया है। मंदिर पर हमला हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा इस मुद्दे को उठाते हुए कह रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर पर हमला नहीं है, बल्कि ये हिंदू और सिख समुदाय की आस्था पर एक बहुत बड़ा हमला है, उनके अधिकार पर एक बहुत बड़ा हमला है और इस मामले को वैश्विक स्तर पर उठाने की मांग भी सिरसा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक परेशान हैं और वहां की सरकार हमलों पर खामोश है। ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई बयान पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आता है और वैसे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को चिट्ठी लिख लिख कर कहते हैं कि आपके देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उनके हितों का ख्याल रखिए, उनके अधिकारों का ख्याल रखिए, लेकिन उनके खुद के देश में पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों और ईसाइयों के साथ जो बर्बरता हो रही है इस पर चुप्पी साध लेते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। बाकी देशों को लेक्चर देते हैं लेकिन अपने देश में जब अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ज्यादती होती है तो कोई बयान उनका नहीं आता।